सब इधर है, हम लोग ने पूरे सारे रूल्स देख लिए। अभी जस्ट इसके ऊपर से सम्स, अभी देखो इसके ऊपर से सम्स कैसा पूछेगा। सो सब कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, नो दैट विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। ओके सो कैसे क्या करना है, चलिए हम लोग पहला सम लेते। सी गाइस क्या दिया अपने को, ठीक है दूसरा क्वेश्चन। सो व्हाट इज गिवन, पी और क्यू, ओके एंड पी और निगेशन ऑफ क्यू, देन दैट इक्विवेलेंट टू पी। तो गाइस अपने को ये प्रूफ करना है। यस मतलब हमें बिना ट्रुथ टेबल, अभी इसके पहले जो भी हम लोग ने सम सॉल्व किया था वो कैसे सॉल्व किया था, बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। सो इसमें क्या कर लेगा, इसको एलएचएस लेने का। तो चलिए एलएचएस लेता हूं मैं, एल। सो एलएचएस क्या है, पी और क्यू इज एंड व्हाट, पी और निगेशन ऑफ क्यू बराबर है इस, ठीक है वो सबको समझता रहेगा। अभी क्या करना है अपने को, अभी देखिए मैंने आपको क्या क्या बोला था, ये लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ, ये लॉज ज्यादातर यूज होते हैं। तो चलिए अभी देखिए, अभी कैसे समझेगा कि इसमें से कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं। तो सी ये लॉज है ना, जो भी है रूल्स है वो वाइस वर्सा काम करते हैं। मतलब क्या, अगर ऐसा दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसा दिया है तो ऐसे। तो सी देखिए अभी किस तरीके से हमको समझा कि वो लॉज यूज कर रहे हैं, देखो पी और सेम है तो इसको सीधा बाहर करें। तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, होंगे वो पी और ब्रैकेट के अंदर क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू। दिस गाइस होप सबको समझता रहेगा, ठीक है। अब देखो हाँ इधर रीजन क्या लिखेंगे, कौन से लॉ से आया है, इधर ऐसा ब्रैकेट में रीजन रीजन लिखे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस ओके नेक्स्ट, अभी चलो नेक्स्ट वन क्या है अपना, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू। सी देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सब एंड ऑपरेशन से, सो फॉल्स आएगा। सो पी और एफ रीजन बताइए यहाँ पे क्या, कौन सा लॉ, तो रीजन क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यस सी ओके देन पी और एफ, पी और एफ इज पी, सो पी आ गया जो किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू आर एच एस। सो इसका रीजन बोलिए, ये कॉम्प्लीमेंट, हाँ ये इसके लिए क्या रीजन आएगा, और एफ के लिए रिच लॉ, आइडेंटिटी लॉ, सो आइडेंटिटी लॉ। तो इस तरीके से इन लॉज को यूज करके हमें क्या करना है, सम्स को सॉल्व करना है। इस होप सबको ये समझा रहेगा। ओके अब हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं, तो चलिए इसको ये कर लीजिए कंप्लीट, देन नेक्स्ट वन लेते। अभी ये सम ले लेते हैं सी, देखिए क्या दिया है, पी एंड क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू और P एंड निगेशन ऑफ Q और वो इक्वल्स टू P और Q होगी, बराबर है। तो चलो अभी इसका LHS लेते हैं, सो हम इस तरीके से LHS लेंगे, LHS क्या दिया अपने को, LHS में P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q दैट और क्या, P एंड निगेशन Q, इस तरीके से अपने को दिया बराबर है। यस ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे देखो तीन टर्म, जब भी ऐसे तीन टर्म यहाँ पे और ऑपरेशन है और ऑपरेशन, इसका मतलब है कौन से लॉ को मैच हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इधर देखो ये एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी देखिए यहाँ पे एंड क्यू है, यहाँ पे एंड क्यू है, यहाँ पे पी और है, तो सी हम लोग एसोसिएशन में क्या करते हैं, कोई दो टर्म को एक साथ लेते हैं, आप ये दोनों को भी ले सकते हो और इसको इसको और इसको भी ले सकते हो, सी देखो हाँ, तो बेटर है हम ये दोनों को साथ में लें, ठीक है। मतलब उनमें से कुछ तो भी कॉमन आना चाहिए, देखिए यहाँ पे देखिए ये और ये, इस तरीके से अपने को लॉजिक लगाना है, सी ये देखो कॉमन ले सकते, कौन से लॉस है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये लेंगे, या दूसरा पेयरिंग कौन सा बनता है, इसका और इसका बनता है, देखो पी एंड को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरीके से आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एसोसिएट करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो मैं क्या लिखूंगा, पी एंड क्यू इस और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ओके देन और पी एंड निगेशन क्यू, रीजन क्या आएगा, एसोसिएटिव लॉ,
एसोसिएटिव लॉ, ओके आपको ध्यान में आया इसके लिए मैंने इसको रफ नहीं किया है, ठीक है। तो देखो एसोसिएटिव लॉ हो गया। अभी चलो नेक्स्ट, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें से, पी सी ये टर्म दोनों जगह पे कॉमन है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको बाहर ले सकता हूँ। सी लाइक कैसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान दो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, व्हाट पी और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, यस कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से और करके एज इट इज रहेगा पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, रीजन क्या है बार डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस होप सबको समझ गए, ओके। नेक्स्ट वन सी, अभी पी और निगेशन ऑफ पी सी देखिए क्या है, ट्रू है इसके लिए, सो ट्रू एंड क्यू, यस और P and negation of Q, which law बोलिए कौन से law से ऐसा आया, ओके इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लोग ने true भी लिखा, तो which law complement law, तो इधर इधर क्या आएगा complement law, complement law, ओके then next क्या आएगा अपने को C, ध्यान दीजिए, so ये हो गया, उसके बाद next ट्रू एंड क्यू, सही ट्रू एंड क्यू मतलब इसमें इसको मैच कर रहे हैं तो क्या आएगा क्यू आएगा, ओके और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, विच लॉ बोलिए आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ, मतलब इस टॉपिक में यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमने अपने को थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ता है, अदरवाइज बाकी ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी, ओके अभी चलिए यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो क्योंकि हमारा टारगेट क्या है P और Q ना, यस तो चलिए Q और P एंड क्या है बात Q और निगेशन ऑफ Q, यस कौन सा लॉ, ये सेपरेट किस वजह से किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो यहाँ पे क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव व्हाट लॉ, यस नेक्स्ट चलिए अभी नेक्स्ट क्या आएगा अपने को, सो अभी Q और P एंड व्हाट इसके लिए क्या आएगा, और ऑपरेशन ट्रू आएगा, विच लॉ कॉम्प्लीमेंट लॉ, सर कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके देन अभी एंड ऑपरेशन, सो ट्रू एंड जो भी टर्म है मतलब ये आंसर किसके ऊपर डिपेंड है, इस पूरे टर्म के लिए जाएगा Q और P, रीजन क्या आएगा विच लॉ आइडेंटिटी लॉ, सो आइडेंटिटी लॉ, यस एंड फाइनली पी और क्यू लिखना है मुझे, सो पी और क्यू विच इज इक्वल टू आर एच एस, तो इस तरीके से इन लॉज को यूज करके हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो बराबर से ध्यान में रखो सारे लॉज, ये देखो मैंने क्या बोला बार, ये चार लॉज आपको प्रॉपरली ध्यान में रहना चाहिए, ऐसे 10 के 10 रहने चाहिए, बट ये चार बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो ये ध्यान में रखिए, ओके okay?